ओके एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टॉपिक आज का हमारा क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, डबल फिलर्स। अब देखो, एक तो हमने पढ़ा है सिंगल फिलर्स, इसके कई सारे सेट्स आपने प्रैक्टिस किए होंगे। पहले क्या पढ़ा हमने, सिंगल फिलर पढ़ा, ठीक है। क्लोज टेस्ट पढ़े हमने, क्लोज टेस्ट ये भी एक टाइप का फिलर ही है। अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं डबल फिलर्स। सिंगल फिलर में क्या था, एक सेंटेंस आपको दिया होता था, उसमें एक ब्लैंक होता था, उसको आपको फिल करना है। क्लोज टेस्ट क्या है, एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें बीच बीच में ब्लैंक होते हैं, उसको फिल करना होता है, ठीक है। अब ये डबल फिलर में क्या होंगे, एक सेंटेंस होगा, इसमें क्या होंगे, बीच में दो ब्लैंक होंगे, दो ऑप्शन भी दिए होंगे। लेकिन एक टाइप और क्या है, इसमें दो सेंटेंस दिए होंगे आपको, फर्स्ट और सेकंड, और हो सकता ऐसा होगा उसमें क्या बोलेगा कि ऐसा वर्ड चूज करो आप कि जो दोनों में फिट बैठ जाए, दोनों सेंटेंस में, एक ब्लैंक फर्स्ट में होगा, एक ब्लैंक सेकंड सेंटेंस में। वर्ड आपको जो दिए होंगे ऑप्शंस में, एक एक वर्ड दिए होंगे, तो ऐसा वर्ड आपको चूज करना है कि जो दोनों में कंप्लीटली फिल बैठ जाए और ग्रामेटिकल भी करेक्ट हो, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये अपना डबल फिलर्स का प्रैक्टिस। तो देखो सॉल्व कैसे करना है आपको मैं बताता हूं। देखो जैसे आपके सामने सेंटेंस दिया है, क्या बोल रहा है ये, टू ब्लैंक्स इज गिवन, दो ब्लैंक दिए गए हैं, इसको आपको फिल करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है इसका, पहले तो आप पूरा सेंटेंस रीड करो। क्या करोगे आप, पहले और फर्स्ट काम होता है रीड करना और समझना सेंटेंस को, कि सेंटेंस में क्या बता रहा है, इसका टॉपिक क्या है और टेंस क्या है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो ब्लैंक दिया गया है, ये जो ब्लैंक दिया गया है, इसके पहले और इसके बाद कौन से वर्ड आ रहे हैं, उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर क्या दिया, द मोस्ट वर्क फोर्स। अब मोस्ट क्या है, मोस्ट कहाँ पर यूज करते हैं, ये कोई भी एडजेक्टिव होगा ना यहाँ पर, इसके बाद मोस्ट सुपरलेटिव के पहले होता है, तो इसके बाद कोई एडजेक्टिव ही आएगा यहाँ पर, तो एडजेक्टिव फिल करना हमें, ठीक है। तो ऐसे आपको देख करके इसको फिल करना है, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। हम फर्स्ट सेंटेंस क्या है, देखो, द नेशनल नॉलेज कमीशन हैज सेड दैट इंडिया विल हैव टू ब्रिंग इन एजुकेशन इफ इट हैज टू इमर्ज एज द मोस्ट वर्क फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें टॉपिक क्या है इसका, कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने कुछ तो बताया है, ठीक है, कि इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या करना चाहिए कि जिसके कारण वो क्या हो जाए, वर्क फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क फोर्स आया हुआ है, इसके पहले द मोस्ट आया हुआ है, तो अब फिल क्या करेंगे हम इसमें, हैव टू ब्रिंग, क्या करना पड़ेगा इसमें, ब्रिंग चेंजेस, ब्रिंग रिफॉर्म्स, ब्रिंग एलिवेशन, ब्रिंग क्वालिटी, ब्रिंग आउटकम्स। तो जितने भी वर्ड आपको दिए गए यहाँ पर, सबके सब आप फैमिलियर होंगे इनसे, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। चेंजेस मतलब बदलाव, रिफॉर्म मतलब क्या है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है। जो चीजें ऑलरेडी हैं उसमें क्या करना आपको, इम्प्रूव लेकर के आना है, जिसके कारण आगे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट हो सके, उसको बोलते हैं रिफॉर्म। एलिविएशन, एलिविएशन मतलब क्या होता है, एलिविएट करना मतलब रिमूव कर देना, ठीक है, हटा देना। क्वालिटी आपको पता है, आउटकम्स भी पता है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो ये वर्ड आपको दिख रहा होगा एलिविएशन, तो फर्स्ट में क्या आएगा, टू ब्रिंग एलिविएशन इन, सॉरी एलिविएशन नहीं आएगा इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा इसमें, रिफॉर्म, टू ब्रिंग रिफॉर्म इन एजुकेशन इफ इट हैज टू इमर्ज एज द मोस्ट टैलेंटेड वर्कफोर्स। अगर इंडिया क्या चाहता है कि वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया का वर्कफोर्स है, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, उनको सबसे टैलेंटेड बनाना चाहता है वर्ल्ड के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा। पूरा का पूरा सेंटेंस है, सब समझ गए इसको। और क्या क्या, बिगेस्ट ये दिया गया है, स्किलफुल, ब्राइटर, ब्राइटर तो आएगा नहीं, डिमांडेड नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या आता है आंसर, रिफॉर्म एंड टैलेंटेड, ये फर्स्ट आपको पता चल गया क्या क्या सॉल्व करेंगे हम। तो अगर फर्स्ट समझ में आ गया सभी को, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। आपको मैं टाइम दूंगा 10 सेकेंड का, 20 सेकंड का ले लीजिए टाइम आप लोग, और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए इसको।
चलो देखो क्या होगा इसमें. ही हैज बीन, अब यहां पर बीन आया हुआ है, ठीक है, टू हिज टीचर, कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास. अब इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये है पैसिव वॉइस में, ठीक है. वॉज की बात क्या यूज करेंगे हम, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है. और यहां पर हैज की बात क्या हुआ, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है बीन, ठीक है. अब ही हैज बीन टू हिज टीचर, वो अपने टीचर को साथ क्या था, वो अभी वहां पर देखना है, ऑनरेबल था टीचर के साथ, नॉटी, काइंड था, डिसरिस्पेक्टफुल था, और डिसरिस्पेक्टफुल, डिस्ट्रस्टफुल एंड डिसरिस्पेक्टफुल, ये दो अलग अलग है. हाँ, कॉन्सिक्वेंटली उसकी बात क्या होता है, ही वॉज इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, डिटेन कर लिया गया उसको, अवार्ड दिया गया, डिटेन्ड, रीगेन्ड एंड रेप्रीमेंडेड. तो भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा इसमें, डिसरिस्पेक्टफुल. वो पर्सन क्या था अपने टीचर के सामने, डिसरिस्पेक्टफुल था, किस तरह बिहेव करता था, अच्छे से बिहेव नहीं करता था. कॉन्सिक्वेंटली उसी के कारण से क्या हुआ उसको, उसके साथ क्या हुआ, ही वॉज, उसको क्या किया गया, रेप्रीमेंडेड, डांटा गया, फटकार लगाया गया, ठीक है. रेप्रीमेंड मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, ठीक है, रेप्रीमेंड इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास. अब डिटेन मतलब क्या होता है, डिटेन करना, डिटेन करना मतलब होता है एक, वो देखो मतलब किसी को उठा लेना, किडनैप कर लेना, उसको बोलते हैं डिटेन करना, ठीक है. लाइक बोलते हैं ना, टेररिस्ट ने किसी पर्सन को डिटेन कर लिया है, ठीक है, पुलिस ने डिटेन किया, ठीक. तो डिटेन मतलब क्या होता है, उठाना या फिर किडनैप करना. तो आंसर क्या होगा इसमें, डिसरिस्पेक्टफुल. डिस्ट्रस्ट मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर विश्वास ना करना, ठीक है, नॉटी एंड ऑनरेबल, ठीक, क्लियर. तो यहां पर देखो एक चीज देखो, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यहां पर हैज जो है ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज, और बीन क्या है ये मेन वर्ब है, इसके बाद क्या हुआ, यहां पर आएगा नाउन, ठीक है. क्या थे वो, डिसरिस्पेक्टफुल थे, ही हैज बीन डिसरिस्पेक्टफुल टू हिज टीचर. और यहां पर क्या आता है, यहां पर आता V3. क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर. हाँ क्या होगा इसमें, वो तो क्या दिया गया है, नथिंग अंडरमाइंस द कम्युनिकेशन ऑफ अ चेंज्ड विजन मोर देन ऑन द पार्ट ऑफ की दैट सीम इनकंसिस्टेंट विद द विजन. अब इसमें क्या होगा आंसर, मोर देन एनीथिंग, मोर देन बिहेवियर, एडवोकेसी, समथिंग, फिलोसफी. तो आंसर तो इसमें एकदम सिंपल आपको मिल गया होगा, मोर देन एनीथिंग, ठीक है. नथिंग अंडरमाइन द कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ अ चेंज विजन मोर देन एनीथिंग ऑन द पार्ट ऑफ की इश्यूज दैट सीम इनकंसिस्टेंट विद द विजन. अब इसमें एक वर्ड आया हुआ है एडवोकेसी, इसका मतलब क्या होता है, एडवोकेसी का मतलब होता है डिफेंस करना, किसी को बचाना, ठीक है, क्या करना, डिफेंस करना, किसी को बचाना, ठीक, क्लियर हो गया. तो आंसर क्या होगा, देखो एक वर्ड है इसमें पर्सोनल, पर्सोनल किसके लिए आता है, आर्मी पर्सोनल, ठीक है. और क्या होगा, गवर्नमेंट पर्सोनल, मतलब जो कोई भी पर्सन है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, वो उसका मेंबर है, उसको बोलते हैं पर्सोनल, ये पर्सन के लिए आता है, ध्यान रखना, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आंसर क्या होगा, एनीथिंग ऑन द पार्ट ऑफ की इश्यूज दैट सीम इनकंसिस्टेंट विद द विजन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ.
देखते हैं क्या होगा इसमें. When one buys packet of cigarettes, one cannot miss the warning. अब ये warning क्या है? ये किस type का word है? ये है noun. क्या होगा? ये noun है. तो इसके पहले क्या आएगा? एक adjective आएगा. अब क्या होगा यहाँ पर? Adjective होगा. क्या यहाँ पर act आ सकता है? क्या act is also a noun? Judicial, judicial is a adjective. हाँ, ये आ सकता है क्या? Article is a noun. Action is a noun. Statuary is a adjective. ठीक है, statuary क्या होगा? Adjective होगा. That is present on the packing which against smoking and says how it injurious to health. ठीक है, abate का मतलब क्या होता है? Abate का मतलब होता है प्रवोक करना, किसी को भड़काना, प्रवोक करना. ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा इसमें. यहाँ पर जुडिशियल वार्निंग होगा क्या? जुडिशियल वार्निंग तो नहीं हो सकता. यहाँ पर क्या आएगा? स्टेचुरी वार्निंग. स्टेचुरी मतलब क्या होता है? लीगल वार्निंग, जो वहां पर अनिवार्य रूप से सबके लिए होती है. किसके ऊपर? सिगरेट्स के पैकेट्स के ऊपर. कि सिगरेट्स क्या, यहाँ पर स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये पहले ही बताया जाता है. क्या बताया गया इसमें? ये जो वहां पर वार्निंग है वो किस टाइप की वार्निंग है? स्टेचुरी वार्निंग है. और क्या बोला? दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैकिंग विच वॉर्न्स. क्या करता है वो? वॉर्न करता है. क्या नहीं करना आपको? अगेंस्ट स्मोकिंग एंड सेज हाउ इट इंजरियस टू हेल्थ. क्लियर, सिंपल था ये. देखो इस तरह अगर एलिमिनेट कर ले गए पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करके आप, तो इसका आप सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. देखो क्या होगा फिफ्थ में? द गवर्नर. ये क्या है इसमें? ये सब्जेक्ट है. द गवर्नर इज अ सब्जेक्ट. तो इसके बाद वर्ब तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, अ रिव्यू मीटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट हेल्ड एट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल टुडे. तो यहां पर अगर देख रहे हो तो आप एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है. टुडे की बात हो रही है, एक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है. यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करेंगे हम? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. अगर कोई भी एक्शन एक टाइम के बारे में बता रहा है कि इस टाइम पर वो कंप्लीट हो गया था, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट ही यूज करते हैं, ध्यान रखना है. सिंपल पास्ट यूज करेंगे हम. अगर बता दिया गया कि हाँ भाई इस टाइम पर पूरा एक्शन कंप्लीट हो चुका था, तो क्या हो जाएगा वहां पर? सिंपल पास्ट यूज करना है. तो यहां पर हो जाएगा वी टू. ठीक है, ये भी वी टू है हमारा. थॉट, थिंक, थॉट, एक्सपेक्टेड, प्रेज्यूम्ड, अटेंडेड, सबके सब यहां पर वी टू है. A review meeting on financial stability and development held at the Ministry of Finance today. क्या होगा इसमें? Development ये क्या है हमारा? ये एक type से यहाँ पर as a noun है. तो पूरा का पूरा ये noun होगा ना यहाँ पर? ये as a adjective आया हुआ है. Development fell, development ran, development failed, development council. तो simple एक word दिखा के आप लोग को. डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये पूरा का पूरा नाउन हो जाएगा फिर हमारा. ठीक है, हेल्ड एट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टुडे. अब ऑलरेडी वर्ब है यहाँ पर, यहाँ पर वर्ब की जरूरत नहीं है. ये था हमारा एडजेक्टिव डेवलपमेंट. इसके बाद क्या आएगा? एक वहां पर यूज करेंगे नाउन हम. ठीक है, ये फेल ये भी वर्ब है, रैन इट्स ऑल्सो वर्ब, फेल्ड इट्स ऑल्सो वर्ब. ये क्या है हमारा? ये नाउन है, काउंसिल. ठीक है, तो वर्ब के साथ तो वर्ब फेल नहीं करेंगे, इसकी जरूरत कोई नहीं हमें. क्लियर, तो आंसर क्या होगा इसमें? अटेंडेड, गवर्नर ने क्या किया है? अटेंड किया है अ रिव्यू मीटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड एट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टुडे. क्लियर हो गया सबको ये? आया समझ में? तो देखो सॉल्व करने का तरीका मैं फिर से आपको बता रहा हूं. ग्रामर ये बेस्ट तरीका है, ग्रामर का यूज करके. और आपको वर्ड की मीनिंग भी पता होना चाहिए. फर्स्ट अप्लाई क्या करना है आपको? ग्रामर अप्लाई करना है, फिर देखना है आपको वर्ड की मीनिंग्स. क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पर.
देखो क्या इसमें, द बिथहब चेन एज इट इज कॉल्ड विल बी। अब यहां पर आप देखें ये विल बी, ये हमारा पैसिव वॉइस में पूरा किसमें आ गया, पैसिव वॉइस में आ गया। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे हम, टू इंडियन कंपनीज स्टार्टअप एंड इवन द गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। अब देखो ये ब्लॉकचेन आ चुका है, तो अगर आप पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर बार बार रीड करते होंगे, तो आपको पता है ब्लॉकचेन के साथ क्या आएगा, कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बस क्लियर हुआ क्या, एक ही आपने यहां पर खोजा। आपको देखो प्रैक्टिस जैसे करते रहोगे, रीडिंग प्रैक्टिस इतनी होती रहेगी, उतना ही एक सेंस डेवलप होता रहेगा, एक इंस्टिंक्ट आता रहेगा दिमाग में आपके कि हाँ इस जो ये वर्ड है ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी एक साथ यूज होता है। ठीक, ओके। अब फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट विल बी अवेलेबल, ठीक है, विल बी अवेलेबल टू द कंपनीज स्टार्टअप्स एंड इवन द गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब एक चीज देखो इसमें, नेगोशिएट ये आपको पता है, बार्गेन करना, इनवोक का मतलब क्या हुआ है, ठीक है, इनवोक का मीनिंग क्या हो जाएगा, लाइक एग्जाम्पल आर्टिकल 370 वॉज इनवोक्ड, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, इनवोक मतलब हटा लेना, रिमूव करना। इम्पोज का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर प्रेशर डालना, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट इम्पोजेस हैवी इंटरेस्ट ऑन पब्लिक, हैवी टैक्सेस ऑन पब्लिक। तो इम्पोज का मतलब क्या होगा, ये एक बर्डन, मतलब ये किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना होता है, इम्पोज करना। ठीक हो गया ये, तो आंसर क्या होगा इसमें, इसमें आंसर हो जाएगा अवेलेबल एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या होगा इसमें, देखो व्हाट्सएप हैज रिसेंटली, रिसेंटली वर्ड क्या है, ये है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब के बाद क्या आएगा, एक वर्ब आएगा, एब्सोल्यूट ये वर्ब नहीं है, डायनेमिक वर्ब नहीं है, रोल्ड आउट ये वर्ब है, स्टार्टेड भी वर्ब है। द फिंगरप्रिंट लॉक फॉर एंड्रॉयड यूजर्स व्हाट्सएप कैन नाउ बी लॉक्ड और अनलॉक्ड यूजिंग फोन्स बिल्ट इन फिंगरप्रिंट सेंसर्स। हाँ, तो आंसर क्या होगा, रोल्ड आउट, रोल्ड आउट का मतलब क्या होता है, शुरू किया हुआ है, ठीक है, रोल्ड आउट द फिंगरप्रिंट लॉक फीचर फॉर एंड्रॉयड यूजर्स। अब डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज और रिसीड्स, इन दोनों का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना, कम होना, डीकम्पोज। क्लियर है, डिमिनिश इसका मतलब क्या, रिड्यूस होना, तो यहीं से आप निकाल सकते थे एलिमिनेट करके, डिमिनिश रिसीड एंड डीकम्पोज, ये तो वर्ड आएंगे ही नहीं आएंगे, ये तो कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं उनका। जो फिंगर प्रिंट लॉक है ये क्या है, एक फीचर है किसका, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं आंसर क्या था इसमें, थर्ड रोल्ड आउट एंड फीचर, क्वेश्चन नंबर 8। एट में क्या होगा, देखो गूगल हैज नाउ, अब हैज आया हुआ है, ठीक हैज नाउ, ये क्या है, ये है एडवर्ब, हैज के बाद क्या होता है, कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, हाइटेंड एंड कंफर्म। आगे देखते हैं, अब दैट इट विल ब्रिंग इट्स न्यू एआई पावर्ड रिकॉर्डर एप्लीकेशन टू ओल्डर पिक्सल फोन्स विच वॉच
एप्रिसिएट फॉर पिक्सल 4, इंट्रोड्यूस फॉर पिक्सल 4 लाइनअप. क्या होगा इसमें आंसर? इंट्रोड्यूस हो जाएगा. यहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है. विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर पिक्सल 4 लाइन अप. आंसर क्या होगा इसमें? पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या जाएगा हमारा? गूगल हैज नाउ कंफर्म्ड दैट इट विल ब्रिंग इट्स न्यू एआई पावर्ड रिकॉर्डर एप्लीकेशन टू ओल्डर पिक्सल फोन्स विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पिक्सल 4 लाइन अप. क्लियर, समझ गए इसको? आंसर था इसमें फोर्थ वाला. क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th. नाइन्थ में क्या होगा? व्हाट्सएप ऑन वेंसडे अनाउंस्ड अ. अब यहां पर आर्टिकल आ गया, आर्टिकल आया उसके बाद क्या होगा? यहां पर नाउन आएगा. इन इट्स सेटिंग विच विल अलाउ यूजर्स टू चूज हु फ्रॉम देयर कॉन्टेक्ट लिस्ट कैन एड देम टू अ ग्रुप चैट. तो आंसर क्या होगा इसमें? अब ये क्या, देखो ये इट्स, ये है पजेसिव एडजेक्टिव. क्या होगा ये? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको. तो इसके बाद क्या आएगा? यहां भी नाउन आएगा. क्लियर है? तो देखो लाइक इट्स, यहां पर अगर मैं लिखता हूं इट्स एंड इट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मतलब क्या है? ये इट इज, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है. यहां पर इट्स क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है, क्लियर? देखो अब क्या होगा इसमें? तो फर्स्ट क्या इसमें ट्वीक वर्ड आ सकता है. ट्वीक का मतलब क्या होता है? रिपेयर करना, ठीक करना, रिपेयर करना या फिर ठीक करना किसी को. प्राइवेसी आपको पता है. इम्बाइव, इम्बाइव का मीनिंग क्या होता है? एब्जॉर्ब करना, सोक कर लेना. ठीक है, एब्जॉर्ब और सोक. ठीक है, क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसमें? अनाउंस्ड अ ट्वीक इम्बाइब कॉन्सेंसस इन्वेंट. आंसर क्या होगा इसमें? इसमें आंसर आएगा ट्वीक. व्हाट्सएप ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड अ ट्वीक इन इट्स प्राइवेसी सेटिंग्स. प्राइवेसी का मतलब क्या है? कि जो लोग अपना प्राइवेट चीजें हैं, डॉक्यूमेंट हो गए, प्राइवेट जानकारियां हो गई, उनको बोलते हैं प्राइवेसी. तो प्राइवेट विच विल अलाउ यूजर्स टू चूज हु फ्रॉम देयर कॉन्टेक्ट लिस्ट कैन एड देम टू अ ग्रुप चैट, कि कौन से लोग आपके ग्रुप चैट में एड हो सकते हैं. ठीक है, तो ये प्राइवेसी कंसर्न को लेकर के इन्होंने एक इंप्रूवमेंट किया है, एक वहां पर किया है, रिपेयर किया है उसको. तो व्हाट्सएप ने ऑन वेडनेसडे अनाउंस अ ट्वीक, यहां पर ये नाउन है, इन इट्स ये भी नाउन हो जाएगा, प्राइवेसी सेटिंग विच विल अलाउ यूजर्स. आंसर क्या होगा इसमें? इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है. इन्वेंट तो होगा, इन्वेंट मतलब खोज होना होता है. कॉन्सेंसस मतलब क्या होता है? आपस में सामंजस्य होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग होना. इम्बाइब मैंने आपको बता दिया क्या है, ये एब्जॉर्ब, सोक कर लेना. ठीक है, लाइक आप देखते होंगे कहीं पर पानी गिरा हुआ है, कपड़ा डालते हैं उस पर, क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोक कर लेता है. ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं. तो जितने भी आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके सिंपली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और देखो डबल फिलर्स में एक फायदा क्या होता है, कि आप एक भी वहां पर खोज लिए कि हाँ यहाँ पर ये फिल कर सकते हैं हम दोनों में से किसी एक में, तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हो बाकी ऑप्शंस को. ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर.
क्या होगा टेंथ में देखो, लाइफ इन कश्मीर वैली हैज बीन सीवियरली सीक्वल एनवियबल डिसरप्टेड एंड प्रोग्रेस। तो यहां पर देखो हैज बीन सीवियरली, सीवियरली ये क्या है हमारा, यह है एक एडवर्ब, ठीक है। तो यहां पर हम एक एडजेक्टिव फिल करेंगे, सीवियरली सीक्वल एनवियबल डिसरप्टेड एंड प्रोग्रेस। तो अगर यहां पर आप देखोगे मीनिंग इनकी, तो सीक्वेंस आपको पता है, एनवियबल इसका मतलब क्या होता है, डीप गहरा, डीप। डिसरप्टिव पता होगा, प्रोग्रेस पता आपको। एम्प्लाई, ठीक है, एम्प्लाई मतलब क्या होता है, सफिशियंट, ठीक है, सफिशियंट। एम्पल वर्ड से बना हुआ है ये, वही है एम्प्लाई, ठीक है। वायलेंस एंड रिवाइवल मतलब क्या होता है, फिर से उसको इंप्रूव करना, ठीक कर देना, रिवाइवल। तो आंसर क्या होगा इसमें, जो आंसर आएगा हैज बीन सीवियरली प्रोग्रेस सिंस, कब से प्रोग्रेस हो गया ये, सिंस द गवर्नमेंट अनाउंस द चेंज इन अगस्त बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशंस एंड ट्रेवल एज वेल एज प्रोटेस्ट एंड मिलिटेंट्स रिवाइवल, ठीक है। कश्मीर लाइफ क्या हो गई है, सीवियरली प्रोग्रेस, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन, प्रोग्रेस नहीं होगा इसमें, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्योंकि यहां पर रेस्ट्रिक्शन वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आएगा डिसरप्टेड, लाइफ इन कश्मीर वैली हैज बीन। एक तो देखो ये हमारा किसमें बन रहा है, पैसिव वॉइस भी मिल गया आपको, ये हेल्प कर सकता है आपको ग्रामर का, हैज बीन डिसरप्टेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है, क्या होता है पैसिव वॉइस, इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पैसिव वॉइस। यहां पर हैव बीन है और इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। डिसरप्टेड सिंस द गवर्नमेंट अनाउंस द चेंज इन अगस्त बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशंस एंड ट्रेवल एज वेल एज प्रोटेस्ट एंड मिलिटेंट्स वायलेंस, जो मिलिटेंट लोग वहां पर आतंकवादी लोग हैं, उनके वायलेंट के कारण क्या हो गया है, और चीजें क्या हो गई हैं, डिसरप्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आंसर था इसमें थर्ड वाला, थोड़ा ठीक है, ये प्रोग्रेस नहीं होगा इसमें, प्रोग्रेस नहीं आ सकता, क्लियर। तो पहले तो आपको पढ़ना है इसमें, आप पूरा पूरा कंप्लीट रीड करना है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है देखो यहाँ पर, जैसे वर्ड रेस्ट्रिक्शन था ना, ये आपको बता दिया कि हमारा सेंटेंस क्या है, ये निगेटिव है, तो ये तो प्रोग्रेस वर्ड नहीं आ सकता इसमें, ठीक। तो इसलिए हमने क्या चूज किया कि इसमें आएगा हमारा जस्ट, हाँ क्या आएगा इसमें, डिसरप्टेड आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पर देखो 11 में क्या हो गया, 11 में जो आपको दिया गया है, क्या बोला गया इसमें इंस्ट्रक्शन में, देयर आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस विथ अ ब्लैंक स्पेस इन ईच, दोनों सेंटेंस में क्या है, ब्लैंक दिया गया है, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच फिट्स एप्रोप्रिएटली इन बोथ द ब्लैंक, जो दोनों में एकदम फिट बैठ जाए उन्हीं को आपको फिल करना है, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम फर्स्ट से, क्या दिया गया इसमें, द फर्नीचर डिजाइनर इज नोन फॉर टर्निंग अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स इनटू टेबल एंड चेयर्स। फर्नीचर डिजाइनर ये एक नाउन है, तो इसके पहले क्या आएगा, ये एडजेक्टिव आएगा, ये तो क्लियर हो गया होगा। देयर वर रेक्ल्यूज प्लांट्स, ये भी एक नाउन है, रेक्ल्यूज प्लांट्स, यहां भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक। तो पहले तो यहां पर इसका मीनिंग समझो, मीनिंग क्या है, एक है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब क्या होगा, जिसके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज है, ठीक है, टैलेंटेड बोल सकते हो, टैलेंटेड, क्लियर। एपेथेटिक मतलब क्या होता है, लैक ऑफ स्पिरिट, मतलब जिसके पास कोई, मतलब वो एंथुजियास्टिक नहीं है, लैक ऑफ स्पिरिट। लिथार्जिक मतलब थका हुआ, इंसिपिड, इंसिपिड मतलब क्या होता है, फीका, फेड हो जाना, फेड होना। वेपिड मतलब क्या होता है, मोनोटोनस, ये भी वही है, मोनोटोनस, मोनोटोनस, ठीक है, वेपिड।
तो आंसर क्या होगा इसमें, यहां पर पॉजिटिव आंसर लेना है हमें, सबके सब निगेटिव है ये, लैक ऑफ स्प्रिट, लिथार्जिक, फेड, मोनोटोनस, तो आंसर क्या होगा इसका, इसेंट्रिक, पॉजिटिव लेना था हमें, द इसेंट्रिक फर्नीचर डिजाइनर, और देयर आर इसेंट्रिक रेक्लूज प्लान्स टू कन्वर्ट द एंटायर बिल्डिंग इन प्राइवेट समर रेसिडेंस, मतलब जो प्लान है वो क्या है, किस टाइप का प्लान है, बहुत ही स्मार्टली बनाया गया है, बहुत ही टैलेंटेड तरीके से बनाया गया उसको, तो आंसर क्या होगा इसमें, फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आपको मीनिंग पता है वर्ड्स का तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, टाइम है अभी आपके पास 20 सेकंड का, ट्राई कीजिए उसको, क्या होगा इसमें, अल्टरनेटिव, इंपल्सिव, क्रोनिक, एबरेंट, एक्सक्लूसिव, देखो सॉफ्ट सोप इज यूज्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्जेमा एंड ओपोडेल्डॉक इज अ डोमेस्टिक रेमेडी फॉर स्टिफनेस एंड स्प्रेन्स, देर इज नो इजी शॉर्ट टर्म्स सॉल्यूशंस टू ब्रिटेन्स इकोनॉमिक मैलेस। अब यहां पर ब्रिटेन्स क्या है, पजेसिव केस है, इसके बाद क्या आएगा, एक नाउन आएगा, ठीक है, क्या होगा इसमें, नाउन होगा, और आपको दिखा यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन है, तो यहां भी क्या आएगा, नाउन आएगा, क्लियर, तो अब बताना है क्या होगा यहां पर, अल्टरनेटिव, इंपल्सिव, इंपल्सिव मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, ताकतवर, पोटेंशियल, क्रोनिक का मतलब क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन, नेक्स्ट क्या है, एबरेंट, एबरेंट का मतलब क्या होता है, मतलब जो लॉ बनाया गया है, जो मैनर्स हैं, उनको आप छोड़ करके अलग कोई गलत चीजें कर रहे हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है, अनलॉफुलनेस, ठीक है, अनमैनर्ड, ये सब मतलब लाइक रिलीजियस जो फेथ्स हैं उनके बाहर जा रहे हो आप, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम एबरेंट, एक्सक्लूसिव ये तो आपको पता होगा। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देयर इज नो इजी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू ब्रिटेन्स इकोनॉमिक मैलेस। अब देखो इसमें जो वर्ड आएगा, एक वर्ड है क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब क्या है, जो बहुत लंबे समय तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, देयर इज नो इजी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, उसके लिए कोई एक तुरंत सॉल्यूशन निकलने वाली चीजें नहीं है उसके लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो प्रॉब्लम चल रही है, और यहां पर क्या होगा, सॉफ्ट सोप इज यूज्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एंजेमा एंड ओपोडेल्डॉक इन डोमेस्टिक रेमेडी, जो बीमारियां हैं बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली हैं, तो इनका एक रेमेडी क्या है, डोमेस्टिक रेमेडी, डोमेस्टिक इसका मतलब घर का, जो आप घर पर यूज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि आप क्या यूज करें, यहां पर जो सॉफ्ट सोप है उनका यूज करें, स्टिफनेस एंड स्प्रेन्स, तो आंसर क्या होगा इसमें, क्रोनिक, आपने सुना भी होगा क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, ठीक है, ये क्रोनिक डिजीज क्या होते हैं, क्रोनिक का माने आपको वर्ड बताया, क्रोनिक का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलने वाला, दीर्घकालिक, ठीक, इसका क्रोनिक डिजीज का मतलब क्या होगा, जो ऐसे डिजीज जो अस्थाई हो चुके हैं, अस्थाई बीमारियां, लाइक देखो किसी को अगर कैंसर वगैरह हो गया तो क्या है, क्रोनिक डिजीज है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली डिजीज है, ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे अभी, क्रोनिक का मतलब क्या होगा, एवरेंट मतलब क्या होता है, अनमैनर तरीके से या फिर अनलॉफुल तरीके से, ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या होगा 13 में।
क्या होगा इसमें देखो, रेगुलेशंस आर चेंज्ड ऑन विम। विम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तरंग। तरंग देखिए आप लोग, जैसे आप नदी में देखे होंगे कुछ आप पत्थर मारते हैं तो उसमें एक वेव क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं विम, तरंग। रिजल्टिंग इन रिजल्ट्स दैट डिस्टॉर्ट लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट कॉम्पिटिटिव वैल्यूज। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। When the astronomer looked into the telescope, he was shocked by the sight of a star moving in an path. किस टाइप का पाथ है देखो यहाँ पर। रिजल्ट वर्ड है, रिजल्ट वर्ड क्या है, नाउन है। यहाँ पाथ वर्ड भी नाउन है, इसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक, तो इसमें फ्लरिशिंग, ऑस्पिशियस, थ्राइविंग, एबरेंट एंड ग्रूम, सबके सब क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो सबका मीनिंग आपको पता होगा, थ्राइविंग, ऑस्पिशियस, फ्लरिशिंग। एक वर्ड है इसमें एवरेंट, अभी मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग। एवरेंट मतलब क्या होता है, जो रूल बनाया गया है, जो लॉ बनाए गए हैं, जो मैनर्स हैं, उनको आप तोड़ करके, ब्रेक करके बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ पर फिट है क्या। रेगुलेशंस आर चेंज्ड ऑन विम रिजल्टिंग इन रिजल्ट्स दैट डिस्टॉर्ट, तो क्या होगा, एबरेंट रिजल्ट। ठीक है, एबरेंट रिजल्ट मतलब क्या होगा, जो रिजल्ट आना चाहिए था, दैट डिस्टॉर्ट लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट कॉम्पिटेटिव वैल्यूज, वो नहीं मिलने वाला है अब। और यहां भी देखो एक वर्ड आया हुआ है शॉक्ड। शॉक क्या, नेगेटिव वर्ड है। बाय द साइट ऑफ स्टार मूविंग इन एन एबरेंट पाथ, जो उसका रियल पाथ था, उसके पाथ को मूव ना करके वो ब्रेक कर दिया अपने लॉ को, दूसरे पाथ पर मूव करने लगा वो। ठीक है, तो ये एबरेंट वर्ड इसमें करेक्ट है। ठीक है, दोनों जगह पर निगेटिव वर्ड ही आने वाला है। निगेटिव का मतलब क्या है, पर देखो डिस्टॉर्ट वर्ड आया हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये निगेटिव एक टाइप का सेंटेंस है। यहाँ पर शॉक्ड वर्ड आया हुआ है, शॉक मतलब चौंक जाना। ठीक है, सरप्राइज पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन शॉक निगेटिव वर्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एबरेंट करेक्ट है ये। ठीक है, फोर्थ वाला, चलो नेक्स्ट देखो, 14 नंबर। फोर्टीन में क्या होगा, द एबसेंट माइंडेड कपल। एबसेंट माइंडेड क्या होता है, पागल लोग। एक्टेड टू द मेस देयर चाइल्ड मेड इन द रेस्टोरेंट, टू द मेस देयर चाइल्ड इन द रेस्टोरेंट। अब यहां पर क्या होगा, कपल एक्टेड, ये क्या है इसमें, ये वर्ब है, टू द मेस देयर चाइल्ड। आगे देखते हैं, इन हिज ड्रंकन स्टूपर फ्रेड वॉज टू द एक्ट ही वॉज ड्राइविंग इन द रॉन्ग लेन। ड्रंकन स्टूपर मतलब क्या होगा, इतना पिए हुए थे कि उनको कुछ भी ध्यान नहीं था, इतना मतलब उनको क्या था, हैंगओवर था, इतना उनको दिमाग उनका काम नहीं कर। ड्रंकन स्टूपर फ्रेड वॉज टू द फैक्ट ही वॉज ड्राइविंग इन द रॉन्ग लेन। तो अब यहां पर आंसर क्या होगा, देखो एक तो है रिलीजियस, ये तो आपको पता होगा। ऑब्लिवियस मतलब क्या होता है, बेखबर होना। ठीक है, कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्लिवियस। एस्ट्यूट मतलब क्या है, क्लेवर। फेसाइल, फेसाइल मतलब होता है इजी, इजी। एड्रॉइट, एड्रॉइट का मीनिंग है स्किलफुल। हाँ, स्किलफुल, होशियार। तो यहां पर आंसर क्या होगा, तुरंत आपको पता, नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, ऑब्लिवियस, बेखबर है वो, इतना ड्रंक किया हुआ है। फ्रेड वॉज ऑब्लिवियस टू द फैक्ट ही वॉज ड्राइविंग इन अ रॉन्ग लेन, वो भूल गया कि क्या कर रहा है, वो रॉन्ग लेन में क्या कर रहा था, बाइक चला रहा था। द एबसेंट माइंडेड कपल एक्टेड, किस तरह से एक्ट किया, ऑब्लिवियस, पूरी तरह से बेखबर है, टू द मेस देयर चाइल्ड मेड इन द रेस्टोरेंट, कि उसके जो बच्चे ने क्या किया वहां पर, क्या वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑब्लिवियस इज अ करेक्ट आंसर, सेकंड नंबर। हो गया ये, चलो नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर।
15 में क्या होगा देखो, जेफरसन वॉज एन एक्सपर्ट वायलिनिस्ट, अ गुड सिंगर एंड डांसर इन आउटडोर स्पोर्ट एंड एक्सीलेंट हॉर्समैन। अब एक चीज आपको दिख गया इसमें कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक कोई क्वालिटी बताई जा रही है, पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। विथ प्रैक्टिस पीपल कैन बिकम एट रिकॉग्नाइजिंग एंड टर्निंग ऑफ द टेंशन विदाउट द बॉडी फॉर देमसेल्फ विदाउट ड्रग्स। इसमें आंसर क्या होगा देखो, तो यहां पर कोई पॉजिटिव वर्ड लेंगे हम। नेव का मतलब क्या होता है, नेव का मतलब नया पर्सन, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया। कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है जेन्यून, ओरिजिनल, जेन्यून, और यहां पर ये वर्ड है ही जेन्यून, ठीक है। स्क्रूपुलस मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट, एंड प्रोफिशिएंट मतलब क्या है, स्किल्ड, जो अच्छे से सीखा हुआ है कोई चीज। तो ये यही वर्ड आ गया इसमें, तुरंत आपने आंसर कर लिया जैसे आपको दिखा इसका मीनिंग। जेफरसन वॉज एन एक्सपर्ट वायलिनिस्ट, अ गुड सिंगर एंड डांसर, प्रोफिशिएंट इन आउटडोर स्पोर्ट एंड एन एक्सीलेंट हॉर्समैन। नेक्स्ट, विथ प्रैक्टिस पीपल कैन बिकम प्रोफिशिएंट एट रिकॉग्नाइजिंग एंड टर्निंग ऑफ द टेंशन, ठीक है। प्रैक्टिस से क्या हो सकते हैं, वो प्रोफिशिएंट हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गया आंसर क्या होगा इसमें, फिफ्थ करेक्ट है, हो गया सभी का। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। सिक्सटीन में क्या होगा देखो, ऑल्दो द प्राइस ऑफ गैसोलीन हैज राइजन 3 days इन अ रो, ड्राइवर्स अपीयर टू हैव नो टू फिलफिलिंग देयर टैंक्स, ओल्डर पीपल हु आर अनफेमिलियर विथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफन हैव एन टू इट। अब यहां पर आपको दिखा ये आर्टिकल है, इसके बाद क्या आएगा, एक नाउन आएगा, ठीक है। तो मोस्टली सब में नाउन है, ये देखो ION, 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 सबके लास्ट में आयो, सब क्या नाउन है, ये भी नाउन है और फर्स्ट वाला भी नाउन है, तो इस तरह तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका मीनिंग पता करना पड़ेगा हमें। डिलाइट मतलब क्या होता है, खुश होना। इलेशन मतलब क्या होता है, इलेटेड, इसका मतलब भी क्या होता है, प्रसन्न होना और बहुत ही खुश होना। एवर्जन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी से घृणा करना, हेट करना, हेट। फंक्शन ये तो पता आपको। कॉग्निजेंस इसका मीनिंग क्या होगा, इंटरफियर करना, इंटरफियर, ठीक। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या आएगा। ऑल्दो द प्राइस ऑफ गैसोलीन हैज राइजन, भले ही जो प्राइस है किसके, पेट्रोल की, वो बढ़ चुके हैं 3 days इन रो, ड्राइवर्स अपीयर टू हैव नो, क्या होगा यहां पर, नो एवर्जन, कोई भी उनके लिए हेट की बात नहीं है, टू फिलिंग देयर टैंक्स, तभी भी वो अपना क्या कर रहे हैं, जो ट्रक के, जो गाड़ियों के टैंक्स है उसको फिल, मतलब फुल करवा रहे हैं, उसको भर रहे हैं टैंक को। ओल्डर पीपल हु आर अनफेमिलियर विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफन हैव एन ए और एन जो भी हो अवर्जन टू इट, जो पुराने लोग हैं जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, उनको क्या होता है, इन चीजों से हेट करते हैं, वो चिढ़ते हैं इन चीजों से, घृणा करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें, थर्ड ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्या होगा इसमें? बिकॉज द साइंटिस्ट हैड ओनली,